गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग एवरीवन। सभी कोई जुड़ जाए क्योंकि आज का जो क्लास होगा उस क्लास का मैं एमसीक्यूज नहीं करवाऊंगा। चलिए गुड इवनिंग एवरीवन। सभी कोई मुझे क्लियरली सुन पा रहे हैं? एवरीवन लिसन मी, इफ यस कमेंट इन बॉक्स, कमेंट प्लीज। एवरीवन लिसन मी क्लियरली, यस। चलिए नाउ टुडे वी डू एनसीईआरटी। सॉरी बच्चों, नेटवर्क इशू के कारण क्लास थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। आइए हम लोग, ठीक है, अब क्लियर जा रहा होगा आप लोग के पास वीडियो। चलिए अब क्लियर जा रहा होगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हाँ, और सभी बच्चे जुड़े रहे कंटिन्यू, सभी बच्चे जुड़े रहे कंटिन्यू, क्योंकि इस चैप्टर से मैं एमसीक्यूज नहीं करवाऊंगा, ठीक है। इसलिए जो बच्चे, उन बच्चों को यह चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा और वह अच्छे तरीके से इसको मेमोराइज कर पाएंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चंस कम बनते हैं, ठीक है। इसलिए वीडियो को कंटिन्यू वॉच करें, क्योंकि मैं फिर से आप लोगों को बता देता हूं, इस वीडियो से, इस चैप्टर से मैं एमसीक्यूज नहीं करवाऊंगा, ठीक है। सभी बच्चे ध्यान से सुन लिए ना। आइए मैं इससे जो जो क्वेश्चंस बनते हैं इस चैप्टर में, उन सभी को हम आज फाइंड करेंगे और जानेंगे, एक एज ए स्टोरी के लाइट ऑफ ही हैं, लाइट ऑफ ही हैं। चलिए आइए जानते हैं। देखिए आप लोग यहाँ क्लियरली देख पा रहे होंगे, ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स, ठीक है, देख पा रहे हैं, ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स। चलिए इसके बारे में हम आज बात करेंगे। चलिए आइए आइए बात करते हैं। देखिए सभी बच्चे ध्यान से देखें, ट्रेडर्स, एज यू नो व्हाट इज ट्रेडर्स, ठीक है, एवरीवन नो ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स। हम इन सभी वर्ड्स के ऊपर
प्रीवियस क्लास में हम लोग कुछ ना कुछ इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसलिए आइए इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करते हैं कि क्या बोलता है इसका क्वेश्चन। देखिए इस चैप्टर में हमको क्वेश्चन मिलता है, सभी बच्चे जुड़ चुके हैं, इसलिए मैं अपना ये जिस तरह से क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से उन सभी पर बात करेंगे ओनली, ठीक है। और पीडीएफ आप लोग को भेज देंगे, सेंड कर देंगे, आप लोग एज ए स्टोरी इसको रीड करिएगा। चलिए आपस में बात नहीं करें, आपस में बात नहीं करें, ठीक है। आइए देखते हैं, साउथ इंडिया वाज अ फेमस गोल्ड, ठीक है, स्पाइसेस स्पेशली किस चीज के लिए, साउथ इंडिया स्पेशली किस चीज के लिए फेमस है, तो स्पेशली फेमस है यार पीपर्स, पीपर्स मिर्च होता है आप लोग जो घर में आप लोग बनता है ना, काली मिर्च, काली मिर्च जो जीरा और मरीच जो आप लोग जनरल फॉर्म में जानते हैं, ठीक है, उसको हम लोग काली मिर्च जो उसको पीपर कहते हैं। एंड सीसीएस स्टूडेंट तो हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, जो बच्चे कंटिन्यू जुड़े होंगे उनको पता होगा इन सब के बारे में, ठीक है, जो मैं इन सब के बारे में बता चुका हूँ पहले ही। ब्लैक पीपर इट मीन्स काली मिर्च। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन किस तरह बनते हैं, यहाँ से देखिए क्या क्वेश्चन बनता है, जो यहाँ देखिए रेड मार्क दिखाई दे रहा है ना, जो स्पेशली जो पीपर्स जो है ना इनका एक पार्टिकुलर वैल्यू था कहाँ, रोम में। आज मैं स्टोरी बताऊंगा कि जो यूरोपियन कंट्रीज जो थे उनको इतना स्पाइस की जरूरत क्यों पड़ती थी, ठीक है, मैं स्टोरी के फॉर्म में आप लोग को समझाऊंगा कि आखिर क्यों जरूरत पड़ती थी और उन लोगों के पीछे इसका डिमांड, स्पाइस का डिमांड क्यों ज्यादा था, ठीक है, इसलिए बने रहिए। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो रोम में ब्लैक गोल्ड को के नाम से किसको जाना जाता था, ब्लैक गोल्ड के नाम से किस स्पाइस को जाना जाता है, कमेंट करें, ब्लैक गोल्ड के नाम से किस स्पाइस को जाना जाता है, कमेंट करें प्लीज, ब्लैक गोल्ड के नाम से किस स्पाइस को जाना जाता है, तो वह जाना जाता है पीपर को, ठीक है, पेपर को, हाँ ब्लैक पीपर, हाँ बहुत बढ़िया। या देखिए क्वेश्चन बना, ब्लैक गोल्ड के नाम से किस स्पाइस को जाना जाता है, चार ऑप्शन दे देंगे उसमें एक ऑप्शन आपका रहेगा, ठीक है। अब देखिए, अब मैं आप लोग को एज ए स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाता हूँ कि जो यूरोपियन कंट्री के जो थे ना, यूरोपियन कंट्री वाले लोग थे उनको उनको स्पेशल स्पाइस का इतना डिमांड उनके कंट्री में क्यों था। देखिए वह जो यूरोपियन कंट्री है ना, वह बहुत वहाँ ठंडा इलाका है, ठीक है, और आप लोग जानते होंगे जब जिस एरिया में एटमोसफियर या फिर वेदर एग्रीकल्चर के अकॉर्डिंग नहीं रहता है, वहाँ पर क्या क्रॉप्स ग्रो करना बहुत डिफिकल्ट होता है, और उस टाइम इतना टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं था, तो उस टाइम क्या वहाँ के लोग खाते थे, मीट ज़्यादा खाते थे, ठीक है, मीट, चिकन, मटन, ये सब जो है ना किसी भी जानवर को मारकर हंटर्स गैदर्स की तरह लाइफ एक्सपेंड करते थे, ठीक है। क्या होता था ना कि आपके घर में भी आप देखते होइएगा, अगर एज ए मछली आता होगा, मीट आता होगा, तो आपकी मम्मी या फिर आपके आपके जो भी घर में बनाने वाले हैं वो क्या करते होंगे कि उस मीट को जो है तुरंत ऐसे ही नहीं रखते होंगे, उस मीट को फ्राई कर देते होंगे, किस किस में, मसाला में मिलाकर, स्पाइस में मिलाकर फ्राई कर देते होंगे। अब फ्राई करने के बाद क्या है, सुबह में अगर फ्राई किए या नाइट को फ्राई किए तो वह सुबह तक ताजा रहता है, ठीक है, आप लोग समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो वहां के फूड को ज्यादा दिन तक प्रिजर्व करने के लिए क्या किया जाता था, उसको वो स्पाइस में लपेट दिया जाता था, स्पाइस का कवर ऊपर से चढ़ा दिया जाता था ताकि वह ज्यादा दिनों तक रहे। इसलिए यूरोपियन मार्केट में जो है ना स्पाइस का ज्यादा डिमांड था, जो इंडिया में इजली वे में प्रोवाइड हो जाता था, ठीक है। अब देखिए उस टाइम जो है
रोमन गोल्ड क्वाइंस, वो कहाँ मिला है? साउथ इंडिया में। आप लोग जानते होंगे साउथ इंडिया किस पार्ट में है? ठीक है, साउथ इंडिया में है। आइए आगे हम लोग जानते हैं। ठीक है, आगे आइए, आगे हम लोग जानते हैं। देखिए उस टाइम जो ट्रेडर्स आया करते थे वह कुछ पोयम लिखे हैं ट्रेड के बारे में। ठीक है, देखिए उस टाइम जो ट्रेडर्स आया करते थे वह किस तरह आया करते थे, किस तरह आया करते थे। देखिए ट्रेडर जो है ना कि वह किस एरिया से आया करते थे, तो सी रूट से। अब आप लोग यह हमको बताए कि इंडिया का जो सी रूट जो डिस्कवर किया गया वह किसके द्वारा? हु डिस्कवर इंडियन सी रूट? ठीक है, इंडिया का सी रूट या जो हु डिस्कवर इंडिया ऐसा करके क्वेश्चन आता है, आप लोग बताएं हु डिस्कवर इंडिया या हु डिस्कवर इंडियन सी रूट। ठीक है, जिनको पता है कमेंट करें। ठीक है, तो वह लोग जो है क्या चीज से आते थे, तो सी रूट से आते थे, सी रूट से आते थे। और सी रूट से जो आते थे वास्को डिगामा, बहुत बढ़िया धीरज, अमृता कुमारी, वास्को डिगामा। अब कब किए थे डेट आप लोग मेंशन करिए, जिनको पता है डेट वह डेट मेंशन करें। वास्को डिगामा सही है लेकिन डेट मेंशन करें, कब किए थे डेट, अगर किसी को पता है मेंशन करें। 1498 फर्स्ट आंसर पीयूष प्रताप, बहुत बढ़िया। 1498 में वास्को डी गामा सी रूट का डिस्कवर किए थे। देखिए लेकिन उसके पहले जो है ना लोग ट्रेडर्स आया करते थे क्या, किधर से? अरबियन सी और बे ऑफ बंगाल से। ठीक, और लोग किस तरह आया करते थे, तो उन लोग जो है ना विंड और मानसून का जो है ना, विंड और मानसून का सहारा लेते थे। आप लोग पहले देखते होंगे पिक्चर उक्चर में कि एक नाव होता है उस पर त्रिपाल या फिर कपड़ा टांग कर उस नाव को क्या किया जाता है, सी में उतारा जाता था और विंड के हिसाब से उसको चलाया जाता था। ठीक है, अच्छा ठीक है ठीक है, आइए उसके बाद जानते हैं। देखिए हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं मगध एम्पायर, इसके पहले मगध डायनेस्टी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके बाद और कुछ धीरे धीरे राज हो रहे थे किंगडम, उन किंगडम के बारे में हम लोग जानते हैं थोड़ा। देखिए मैं प्रीवियस क्लास में आई थिंक सभी को बता चुका हूँ कि किंगडम और एम्पायर में क्या अंतर होते हैं। सभी को पता होगा किंगडम और एम्पायर में क्या अंतर होते हैं, मैं प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ, इसलिए कंफ्यूज नहीं होंगे बच्चे कि किंगडम क्या। नो सर, कौन? आदित्य कुमार, आप कंटिन्यू नहीं जुड़े थे, जो बच्चे जुड़े थे मुझसे पूछिए किंगडम और एम्पायर में क्या डिफरेंस है, मैं पीडीएफ भी सेंड किया हूँ। वह आप ठीक है, वह आप देखिए जाकर देखिए। तो उस टाइम जो है ना साउथ पार्ट में जो है ना साउथ जो सब कंटिनेंट है वहाँ कोस्टल एरिया में, हिल्स में, प्लेट्यूज में, ठीक है, और रिवर वैली उस टाइम कौन सा ज्यादा फर्टिलाइज था, तो द कावेरी इज द मोस्ट फर्टिलाइज। अब आप लोग यह कमेंट करिए जिन बच्चों को यह पता है कि साउथ का गंगा ऑफ साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया किस रिवर को जानते हैं, साउथ के गंगा के नाम से किस रिवर को जानते हैं। हाँ, जो बच्चे पढ़ चुका उस चीज को मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, किंगडम और एम्पायर जाकर प्रीवियस क्लास देखे अपने आप समझ में आएगा। कावेरी किनका आंसर है? पीयूष प्रताप, बहुत बढ़िया। ब्रह्मपुत्रा तो शायद आप इसका मतलब कि आप मैप नहीं जानते हैं, कावेरी बहुत बढ़िया।
देखिए यह सेकेंड गंगा के ना साउथ की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। देखिए यहाँ से मैं ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन आपको बताते चलूंगा। हाँ आइए देखते हैं, यह मोस्ट फर्टिलाइज्ड था। देखिए क्योंकि आपको पता होगा मगध एम्पायर में गंगा जो है ना मोस्ट फर्टिलाइज लैंड था, गंगा का जो गंगा वैली था, ठीक है, गंगा कावेरी गोदावरी, ठीक है। आइए देखते हैं, देखिए उस टाइम संगम पोयम हुआ करता था, ठीक है। संगम पोयम पोयम में मेंशन किया गया है, जो संगम पोयम होया करता था उसमें यह मेंशन किया गया है, यह तीन नाम मेंशन किया गया है, क्या ब्रिजिस्ट के नाम से किन किन को जाना जाता था उस टाइम में, आइए मैं जानता हूं उनके बारे में, ठीक है। संगम पोयम एक तमिल वर्ड है, ठीक है, संगम पोयम एक तमिल वर्ड है जिसमें मेंशन किया गया है, ठीक है। इसमें थ्री हेड थ्री चीफ के बारे में उस टाइम के साउथ इंडिया के थ्री चीफ के बारे में जाना पता चलता है। आइए हम उसके बारे में थोड़ा देखते हैं क्या है, कौन कौन सा डायनेस्टी था, कौन कौन सा किंगडम था। देखिए आप लोग भी अच्छा से पढ़े होइएगा, आप लोग पढ़ चुके हैं। देखिए देखिए यह थ्री यही चीज थे, चोला चेरा और पांड्या, ठीक है। यह पावरफुल किंगडम थे उस टाइम के सबसे ज्यादा पावरफुल किंगडम कौन कौन थे, चोला चेरा एंड पांड्या, ठीक है। यह साउथ इंडिया का जो है सबसे पावरफुल किंगडम हुआ करता था अराउंड 2300 ईयर एगो, ठीक है। देखिए सभी, देखिए यहाँ पर आप लोग जैसे देख पा रहे होंगे थ्री किंगडम है, ठीक है। अब थ्री किंगडम का यहाँ पर देखिए समझिएगा थोड़ा इसको, ईच ऑफ द थ्री चीफ है टू सेंटर्स, ठीक है, पावर टू सेंटर्स हुआ करते थे, तो ऐसे मिलाकर कितना सेंटर्स हुआ, तो सिक्स सेंटर्स हुआ। अब देखिए उसमें कौन कौन सेंटर हुआ, तो एक इनलैंड और एक कोस्टल एरिया में हुआ करता था, ठीक है, दो कोस्टल एरिया में भी हुआ करता था। अरे भाई ये राजा था या डायनेस्टी था, किंगडम था, ठीक है, आप लोग शायद पढ़े होइएगा जीके के बुक में, हुआ द फाउंडर ऑफ चोला डायनेस्टी, हुआ द फाउंडर ऑफ चेरा डायनेस्टी, हुआ द फाउंडर ऑफ पांड्या डायनेस्टी, ठीक है। आइए देखते हैं, देखिए उस टाइम उसमें से टू सिटीज जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन है, तो फूहर, देखिए उस टाइम फूहर इट मींस फूहर का सेकेंड नाम क्या था, तो कावेरी पटना, ठीक है। यह फोर्ट था किसका, तो चोला का, एंड मदुरई द कैपिटल, मदुरई द कैपिटल ऑफ द पांड्या। अब मदुरई क्या था, पांड्याज का सेकेंड कैपिटल था सर, ठीक है, मदुरई जो है पांड्याज का सेकेंड कैपिटल था, ठीक है। देखिए आप लोग सभी अलग के स्टूडेंट नहीं है, सभी स्कूल के ही स्टूडेंट हैं, और सभी स्टूडेंट हमको भी जानते हैं, मैं भी पर्सनली सभी स्टूडेंट को जानता हूँ, ठीक है, इसलिए आप लोग जो है आपस में बात नहीं करें, पहली बात सुन लीजिए, क्योंकि आप लोगों को पता होगा मेरा सिलेबस जो है ना बहुत एक्सपेंडेड है, बहुत बड़ा है, इसमें मैं आप लोग के साथ अगर बेवजह कमेंट का अगर आंसर दूंगा तो मैं सिलेबस को पूरा नहीं कर पाऊंगा, इसलिए सभी बच्चे हमको भी कोऑपरेट करें, ओनली क्वेश्चन पूछे वही जो सही क्वेश्चन हो, ठीक है, जो क्वेश्चन वाजिब क्वेश्चन हो वह क्वेश्चन पूछे, एक्स्ट्रा बातें नहीं करें, इससे माइंड डिस्टर्ब होता है, और क्या होता क्या है, मैं आपका आंसर पूरा अच्छा तरह से दे पाऊंगा अगर आप लोग हमको कोऑपरेट करेंगे, आप लोग मुझे कोऑपरेट करिएगा तो, ठीक है। सभी बच्चे अपने हैं इसलिए एक्स्ट्रा बात अपने में आपस में बात नहीं करें, ठीक है।
और मैं सभी बच्चों को पर्सनली जानता भी हूँ। मैं सभी बच्चे को आइए देखते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं, आगे बढ़ते हैं तो हम लोग कुछ देखते हैं। क्या देखते हैं कि इस चैप्टर में इसको हम लोग पढ़ लिए, उसके आगे चलते हैं। देखिए, और जो चोला पांड्या यह लोग जो थे ना, यह लोग टैक्स नहीं लेते थे। पहले सुनिए, यह लोग टैक्स नहीं लेते थे। यह लोग क्या लेते थे? यह कलेक्ट करते थे ट्रिब्यून। अब देखिए, एनसीईआरटी में पढ़ा रहा हूँ तो आपको प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ ट्रिब्यूट क्या होता है। जिन जिन बच्चे को पता है ट्रिब्यूट, वह यस कमेंट करे। ट्रिब्यूट पढ़ा चुका हूँ, निचा प्रिया ट्रिब्यूट पढ़ा चुका हूँ कि आखिर ट्रिब्यूट होता क्या था। ठीक है, ठीक है। ट्रिब्यूट वो क्या करते थे? ट्रिब्यूट लेते थे एज ए गिफ्ट। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। उसके बाद क्या होता है कि अराउंड 200 देखिए अराउंड 200 उसके 200 बाद जो है कुछ डायनेस्टी उभर कर आता है, उसका नाम है सत्वाहन। आप लोग सत्वाहन देखिए, मैं यहाँ एक आइडिया क्रिएट कर रहा हूँ, इससे आप जब पढ़ लीजिएगा। देखिए सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ, इसके पहले मैं मगध पढ़ाया था बुद्धिज्म पढ़ाया, फिर आया मैं चोला चेरा एंड पांड्या पर। अब देखिए आया कहाँ? सत्वाहन डायनेस्टी पर। अब सत्वाहन जो है ना, यह कॉमर्स किंगडम था। ठीक है, कहाँ का था? तो वेस्टर्न इंडिया का। और जो बच्चे हमसे पहले पढ़ चुके हैं उनको पता है कि एज ए मैन वेस्टर्न साउथर्न और ईस्टर्न इंडिया किस किस पार्ट में पड़ता है। तो देखिए यह जो है, अगर एज ए यहाँ पर आप देखिएगा तो इधर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, यह क्या बोल रहा है? वेस्टर्न इंडिया, यानी कि यह वाला जो पार्ट है, सॉरी यह वाला जो पार्ट है इधर यह डेवलप हुआ। ठीक है, कौन? सत्वाहन डायनेस्टी। अब इससे आगे देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन भी बनेगा। क्या बनेगा? यहाँ से क्वेश्चन जो बनेगा उस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखिए, द सत्वाहन डायनेस्टी वाज गौतमी पुत्र श्री सत्कर्णी। सत्वाहन जो है और गौतमी पुत्र थे, और जो सत्वाहन है उनकी माता का नाम क्या था? देखिए आप लोग पढ़िए, गौतमी बालाश्री। क्या नाम था उनके माता का? जो सत्वाहन डायनेस्टी थे, गौतमी पुत्र श्री सत्कर्णी। सत्कर्णी के माता का नाम क्या था? सत्कर्णी के माता का नाम क्या था? तो कावेरी नहीं, गौतमी बालाश्री। ठीक है, देखिए मैं इंडिकेट भी कर रहा हूं इस चीज को, ध्यान से देखिए। एंड अदर जो रूलर हुए सत्वाहन डायनेस्टी के, जो अदर रूलर हुए वो बहुत पावरफुल हुए, और उनको जो है ना उनको लॉर्ड्स ऑफ द दक्षिणापट्टा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आइए ये क्यों किया जो है ना, आइए इसके बारे में हम दूसरा और आगे जानते हैं क्या है। देखिए आगे इसके बारे में, इस चैप्टर में आगे क्या दिया हुआ है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए आप लोग आगे जाने, सिल्क रोड का नाम सुने होइएगा, सिल्क रोड का नाम आप लोग सुने होइएगा, द स्टोरी ऑफ द सिल्क रोड, सिल्क रूट क्या है आइए हम लोग जानते हैं। और यहाँ से कुछ इंटरेस्टिंग बातें आप लोगों को पता चलेगी, यहाँ से कुछ इंटरेस्टिंग बातें आप लोगों को पता चलेगी। आइए क्या, देखिए रॉ सिल्क हैज टू बी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द, जो रॉ सिल्क होता है ना, आप लोग साइंस में भी पढ़ चुके हैं इस बात को, जो रॉ सिल्क होता है वो कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो आइए देखते हैं। देखिए रॉ सिल्क जो है वह कहाँ से एक्सट्रैक्ट
आपसे रहेगा रॉ सिल्क एक्सट्रैक्ट फ्रॉम, आंसर क्या होगा कोकून्स ऑफ सिल्क वार्म, क्या होगा कोकून्स ऑफ सिल्क वार्म, रॉ सिल्क, हाँ कोकून्स, ठीक है। तो इसको जान रहे, अब देखिए जो आपको यहाँ पर जान के बहुत मजा आने वाला है, एक चीज जो हम लोग सिल्क सिल्क जो रटते हैं ना, सिल्क का जो कपड़ा बांधते हैं, यह टेक्निक जो है ना सबसे फर्स्ट कहाँ पर इन्वेंट हुआ था तो चाइना में। देखिए सिल्क बनाने का जो प्रोसेस सबसे फर्स्ट कहाँ पर इन्वेंट हुआ था तो चाइना में हुआ था, कहाँ पर हुआ था तो चाइना में हुआ था। अब देखिए चाइना में हुआ था, कब हुआ था बता पाइएगा आप लोग, कब हुआ था अराउंड 7000 ईयर पे उस टाइम हुआ था चाइना में इसका इन्वेंशन, ठीक है इन्वेंट किया गया। देखिए अब क्या होता था ना कि जो यह सिल्क है या तो इससे लोग फियर होता था, हाँ चाइना ठीक है फियर होता था। अब क्या है सम पीपुल फ्रॉम चाइना हु वेंट टू डिस्टेंस लैंड ऑफ फूड, वहां लोग किस तरह जाया करते थे तो फूड से यानी पैदल चलकर और घोड़े को लाद कर केबल पर लाद कर कैरी कर कर सिल्क ले आते थे, ठीक है। और उस पाथ को जिस पाथ के द्वारा वह सिल्क कैरी करते थे ना उस पाथ को उस रोड को उस रास्ता को किस नाम से जाना गया, उस देश को उस पाथ को उस रोड को नाम किस नाम से जाना गया तो सिल्क रोड के नाम से, सॉरी सिल्क रूट के नाम से, किस नाम से जाना गया सिल्क रूट के नाम से, ठीक है सभी कोई क्लियर समझ चुके हैं सिल्क रूट नाम कैसे पड़ा और क्यों पड़ा, अगर समझ चुके हैं तो यस कमेंट करें तो मैं आगे फिर बढ़ता हूं, ठीक है आइए देखते हैं। और चाइना चाइनीज जो रूलर थे ना चाइनीज रूलर थे वह सिल्क कहाँ कहाँ भेजते थे ईरान एंड वेस्ट एशिया में वह सिल्क एज ए गिफ्ट सेंड किया करते थे, ठीक है एज ए गिफ्ट। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, देखिए यहां से क्वेश्चन यह बनता है पूछ देगा विच रूलर इज द बेस्ट कंट्रोल ऑन द सिल्क रूट, सिल्क रूट। चलिए देखिए द बेस्ट नो ऑफ द रूलर टू कंट्रोल द सिल्क रूट वियर कुषाण, यहां से देखिए फिर क्वेश्चन बनता है जो कुषाण रूलर थे ना उनका जो कुषाण रूलर थे उनका बेस्ट कंट्रोल था किस पर, तो सॉरी सिल्क रूट पर, ठीक है। और जो अच्छा चलिए इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, चलिए जो कुषाण रूलर थे ना वह बहुत पावरफुल थे 2000 बीसी के आसपास और उनका पेशावर मथुरा है तक्षशिला जो है ना मतलब एक किंगडम के रूप में था, पावरफुल किंगडम के रूप में, ठीक है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है, देखिए यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है, देखिए यही क्वेश्चन पूछ देगा ना आप लोग कहिएगा कि आपकी क्वेश्चन आप कहाँ से गया, देखिए क्वेश्चन कहाँ कहाँ से उठा के डालता है, देखिए उस द कुषाण स्फीयर जिस समय द कुषाण स्फीयर अमंगस्ट द अर्लीस्ट रूलर सबसे फर्स्ट जो सबसे फर्स्ट रूलर है वह ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इंडियन सब कॉन्टिनेंट का सबसे फर्स्ट रूलर है जो क्या इशू किया था, क्या इशू किया था गोल्ड इशू किया था, गोल्ड इशू किया था, ठीक है। आइए मैं देखता हूं आगे क्या है, गोल्ड इशू कौन किया था सबसे पहले तो कुषाण डायनेस्टी के जो रूलर थे उन्होंने किया था। देखिए यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है, सॉरी मैं इसको
हाईलाइट करना भूल गया, लेकिन आप लोग यीशु मतलब क्या, निर्गत करता है, वह चराता है, ठीक है। हाँ आइए यहाँ है इसको अंडरलाइन, सॉरी हाईलाइट करना भूल गया, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं बहुत सारे एग्जाम में। द स्ट्रक्चर ऑफ द स्तूप एट सांची, जो सांची का स्तूप है वह कहाँ पर है, वह कहाँ पर है, वह इंडिकेट्स दैट द बुद्धा है, जो बुद्धा के इनलाइटमेंट का जो सीन है वही दिखाता है, ठीक है। यहाँ इसको बढ़िए आइए देखिए, देखिए अब क्या है कि इसके प्रीवियस क्लास में भी हम लोग बुद्धा के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन आपसे क्वेश्चन यही से आता है, वो द मोस्ट फेमस कुषाण रूलर कनिष्क कौन है, कनिष्क, तो कनिष्क फर्स्ट बुद्ध काउंसिल कौन करवाए थे, तो कनिष्क ही करवाए थे, ठीक है, कनिष्क ही करवाए थे। और कनिष्क जो है बुद्धिस्ट के बहुत बड़े सपोर्टर थे, और अराउंड 1900 ईयर एगो जो है ना एक बुद्ध काउंसिल होता है, ठीक है, एक बुद्ध काउंसिल होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, देखिए यही आप प्रेजेंट वगैरह में जाके देखिएगा, इसी यही प्रेजेंट वगैरह में जाके देखिएगा दिया गया है क्या, फर्स्ट बुद्ध काउंसिल कौन कंडक्ट करवाया था, तो कनिष्क करवाया था, और किस डायनेस्टी से था, तो कुषाण डायनेस्टी से था। यहाँ से क्लियर हुआ कुछ आप लोग का क्वेश्चन, देखिए फर्स्ट बुद्ध काउंसिल कौन कंडक्ट करवाया था, तो कनिष्क करवाया था, और किस डायनेस्टी से था कनिष्क, तो कुषाण डायनेस्टी से था, ठीक है। और यह जो है इनके टाइम में एक अश्वघोष नाम के एक पोएट हुआ करते थे, क्या हुआ करते थे, एक पोएट हुआ करते थे जो कंपोज किए बायोग्राफी ऑफ बुद्धा, जो बुद्ध भगवान के जो बायोग्राफी है वह कौन कंपोज किए थे, बुद्ध भगवान के बायोग्राफी को कौन कंपोज किए थे, देखिए अश्वघोष, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चा इसी में आ जाएगा एग्जाम में तो कंफ्यूज हो जाता है, बुद्ध के भगवान के जो बुद्ध लॉर्ड बुद्धा है उनके बायोग्राफी को कौन कंपोज किया है, कौन कंपोज किया है, तो अश्वघोष। और अश्वघोष जो है अश्वघोष कहां वह एक स्कॉलर था, एक जो कनिष्क के राज में रहा करता था। और यहाँ से एक और देखिए, अश्वघोष के टाइम से ही क्या होता है, संस्कृत भाषा जो है प्रचलन में आता है, ठीक है। अब कौन जो अश्वघोष है ना वह एक बुद्धिस्ट स्कॉलर थे, जो बाद में जो है ना उस चीज को किस चीज में लिखे, संस्कृत में लिखे, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग आगे, मत देखिए अब बुद्ध को जो है ना, बुद्ध भगवान को दो पार्ट में बांटा गया, बुद्ध भगवान के जो फॉलोअर थे ना बुद्धिज्म के जो फॉलोअर थे, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है, तो बुद्ध भगवान के जो फॉलोअर थे, सभी को सुन पा रहे हैं ना मुझे, जो बुद्ध भगवान के जो फॉलोअर थे, अगर सभी बच्चे सुन पा रहे हैं हमें तो कमेंट यस करके लिखिए, आइए देखते हैं। जो बुद्ध भगवान के फॉलोअर थे वह दो पार्ट में डिवाइड हो गए, एक था महायान, हाँ देखिए एक था महायान, देखिए बुद्ध भगवान के फॉलोअर दो पार्ट में डिवाइड हुए, एक था बुद्धिस्म दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक था महायान,
और एक था क्या, एक था हीन यान, हीन यान, हीन यान। देखिए दो पार्ट में डिवाइड हुए महायान और हीन यान। अब जो महा मतलब क्या होता है, अच्छा आप लोग महा मतलब क्या समझते हैं, ग्रेट से महामिस, महामिस क्या होता है, ग्रेट से चेंज है। तो जो महायान वाले थे ना वो लॉर्ड बुद्ध को क्या मानते थे, भगवान मानते थे, ठीक है। और जो हीन यान वाले थे ना, हीन यान वाले वो लॉर्ड बुद्ध को एज ए क्या मानते थे, मतलब उपदेश देने वाला या फिर एक इंसानी रूप मानते थे। लेकिन जो महायान वाले थे, जो महायान वाले थे वो लॉर्ड बुद्ध को क्या मानते थे, गॉड के रूप में मानते थे, ठीक है। आइए अब देखते हैं, इससे क्वेश्चन भी आता है कि हु बिलीव इन गॉड बुद्ध एज अ गॉड, हु बिलीव इन लॉर्ड बुद्ध एज अ गॉड, तो कौन होगा, महायान, ठीक है, महायान को। अब देखिए, देखिए इसमें दिया हुआ नहीं है लेकिन मैं इसको अपने से क्लियर कर दिया हूं आप लोगों को। देखिए अच्छा आइए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं क्योंकि टाइम कम है और चीजें बहुत सारी बताने का रखेंगे। देखिए भगवान जो है ना, जो महायान वाले जो थे वो स्पेयर हुए, वो स्पेयर हुए और वो उनका फैल, जब वो विभिन्न देशों में फैले। देखिए द वर्शिप ऑफ, देखिए द वर्शिप ऑफ बुद्धि बुद्धा या बुद्धिस्ट बिकेम वेरी पॉपुलर एंड स्पेयर्ड थ्रू आउट सेंट्रल एशिया। अब सेंट्रल एशिया में महायान वाले ज्यादा उनका पूजा, बुद्ध भगवान को महायान वाले का जो संख्या था वह सेंट्रल एशिया में ज्यादा हो गया। चाइना आप लोग देखते हैं, या चाइनीज लोग जो है ना मूर्ति पूजा करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं ना, बुद्ध भगवान ऐसे बैठे रहते हैं और वह उन लोगों का पूजा करते हैं, मॉन्क लोग, ठीक है। एंड लेटर कोरिया एंड जापान, यह सब बुद्धिस्ट, हाँ सब बुद्धिस्ट कंट्री है, ठीक है। आगे थोड़ा सा कुछ और देख लेते हैं, टाइम कम है लेकिन इसकी आप लोग सपोर्ट करिएगा, मैं ज्यादा से ज्यादा आप लोग को बेहतरीन तरीके से पढ़ा पाऊंगा क्योंकि मेरा सब्जेक्ट बहुत एक्सपेंड है, बहुत ज्यादा है, टॉपिक ज्यादा है। देखिए कहाँ कहाँ पर फैला, तो श्रीलंका में, म्यांमार में, थाईलैंड में, साउथ ईस्ट एशिया में इंक्लूडिंग इंडोनेशिया में, इस सब जो है ना यह सब एरिया में बुद्धिस्ट का क्या हुआ, स्प्रेड हुआ, बुद्धिस्ट स्प्रेड हुआ और यह फैला हुआ इसका। आइए आगे देख लेते हैं। देखिए उस चाइनीज इंडिया में आए थे तो फर्स्ट यहां से क्वेश्चन बनता है, फर्स्ट चाइनीज जो आए थे कौन आए थे, फर्स्ट चाइनीज जो आए थे इंडिया में, जो आए थे फर्स्ट टाइम जो आए थे फाइयान, क्वेश्चन भी रहता है हु इन्वेंट इंडिया, हु इज द फर्स्ट चाइनीज इन्वेंट इंडिया, तो कौन है, फाइयान। देखिए फाइयान, उसके बाद कौन आए, उसके बाद आए जुंग जांग, ठीक है, उसके बाद आए आई किंग, यह सब चाइनीज चाइनीज ट्रेवलर थे, ठीक है। जो चाइना इंडिया आए थे, क्यों आए थे, तो पिलग्रिम्स का जो है ना स्टडी करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आए थे। इसको मैं भेज दूंगा आप लोग के, बस बस कुछ और पॉइंट्स है उसको मैं कर देता हूँ, ठीक है, अब ज्यादा नहीं है कुछ है। और देखिए बस बस दो एक मिनट का और टाइम दीजिए आप लोग, मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। देखिए जुंगजांग जो थे ना, जुंगजांग या चाइनीज थे, या जब आप वापस जाने लगे ना तो अपने साथ बुद्ध का जो है ना स्टेटस, बुद्ध का जो लिखा हुआ स्टेटस था वह ले गए। वह किस चीज पर बना हुआ था,
तो गोल्ड पर सिल्वर पर एंड जो चंदन की लकड़ी होती है सैंडलवुड उस पर बना हुआ था, ठीक है। और यह जो है इसमें से बहुत सारा हमसे क्या हो गया, हो गया, लेकिन जो बाद में बचा ना वो जो मनुस्क्रिप्ट जो बचा, आप लोग जानते हैं मनुस्क्रिप्ट और इन स्क्रिप्ट में क्या अंतर है, जो मनुस्क्रिप्ट बचा उसको बाद में संस्कृत में था, इसको चाइना में कन्वर्ट किए। तो क्वेश्चन आपसे यह पूछा जा सकता है कि Which Chinese traveler, Buddhist manuscript, changed Sanskrit to China? तो क्या होगा? यह होगा जुमजान, ठीक है। आगे देखिए, आगे है एक नालंदा यूनिवर्सिटी था, वहीं पर अपना बहुत सारा टाइम जुमजान क्या किए थे, स्टडी के लिए किए थे, जो नालंदा आज बिहार में है, ठीक है। नालंदा आज कहाँ है, बिहार में है। और देखिए, चलिए कुछ ऐसा चीज बच गया जो मैं नहीं करवा पाया, दो चार दस पॉइंट और है, एक बार हम सभी चीजों पर नजर डाल लेते हैं, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उन सभी पर मैं एक बार नजर डाल लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए, डिस्कवरी ऑफ सिल्क मेकिंग, क्वेश्चन इसी तरह रहेगा, सिल्क मेकिंग का डिस्कवरी कब हुआ था, 700 ईयर एगो, ठीक है। देखिए, चोला चीना एंड पांड्या एवाल्व कब थे, 2300 ईयर एगो, ठीक है। उसके बाद आइए देखते हैं, ग्रोइंग डिमांड फॉर द सिल्क इन द रोम एम्पायर 2000 ईयर एगो, ठीक है। आइए देखते हैं उसके बाद क्या है, कनिष्क द कुषाण रूलर अबाउट कुषाण का कब टाइम था, यह दिए हुए है। उसके बाद फाइयान कब आया था, देखिए फाइयान इंडिया कब आया था इसके बारे में देख लेते हैं। फाइयान आया था अप्रॉक्स 1600 ईयर 1600 ईयर एगो। जुमजान कब आया था, जुमजान देखिए इसको आप जुमजान के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा, आपसे टाइम ज्यादा बहुत ज्यादा हो गया, इसलिए आज का क्लास यहीं पर स्टॉप करते हैं। और इससे एमसीक्यूज आप लोग खुद तैयार कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर मैं करवाने जा रहा हूँ गुप्ता डायनेस्टी, ठीक है। गुप्ता डायनेस्टी इसलिए इसको कोई भी मिस नहीं करेंगे, क्योंकि इससे गुप्ता डायनेस्टी से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आज का क्लास यहीं पर स्टॉप करते हैं। गुड बाय एवरीवन।